अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाएंगे सैल्मन फिश विद खिचड़ी, रावस मिर्ची खिचड़ी के साथ। हाफ टोमेटो और लहसुन, इनको ग्राइंड कीजिए और इनका पेस्ट बना के साइड में रेडी रखें। नारियल और पानी दोनों मिक्स कीजिए, ग्राइंड करके उसका नारियल का दूध निकाल के साइड में रखिए, वो हमें खिचड़ी में यूज़ होगा। हमें चाहिए सैल्मन फिश मतलब रावस मच्छी, ये 3 कप्स मैंने अभी ली है यहाँ पर, उसको अच्छे से साफ़ करके वॉश करके लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 3.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर डालिए 1/3 कप, टोमेटो पेस्ट डालिए जो हमने बनाए थे सबसे पहले, 1 टीस्पून सॉल्ट डालिए या अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसको मिक्स करके लेंगे, सब मसाले को मिक्स करके लेंगे अच्छे से। अब इसमें लास्ट में ऑयल डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालिए। अब फिश को गैस पर रखिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, उसको हाफ ढककर कवर करके हमें 30 मिनट्स तक पकाना है। मूंग दाल वॉश करके सोक कीजिए 15 मिनट्स के लिए, भिगो के रखिए। जब अपनी ग्रेवी हाफ हो जाएगी क्वांटिटी में, इसका मतलब अपनी फिश बन गई। अब इसमें हम ग्रीन चिली और कोरिएंडर डालेंगे, धनिया डालेंगे और 5 मिनट रखेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। अब अपनी सैल्मन फिश रेडी है, अब हम बनाएंगे खिचड़ी। चावल के लिए एक बड़ा पॉट लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए, साथ ही साथ हम अपने साबुत मसाले डालेंगे, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग। उसको 30 सेकेंड के लिए सॉट कीजिए, हिलाइए, फिर उसमें 1/3 कप स्लाइस ऑनियन प्याज डालेंगे और वो भी हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। साथ ही साथ अब हम इसमें अपनी येलो मूंग दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके लीजिए, हिलाइए, और उसके बाद हम उसमें 4 कप्स वाटर डालेंगे, क्योंकि हम 2 कप्स राइस बना रहे हैं, इसके हिसाब से हम डबल पानी डालेंगे। उसको एक बार मिक्स कीजिए, 1/2 चम्मच उसमें टर्मरिक पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर, फिर नमक डालिए, 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने क्योंकि मैं 2 कप राइस बना रही हूँ। पानी अच्छे से बॉईल आने तक उसको फास्ट गैस पे हाई फ्लेम पर रखिए। अब हम इसमें 2 कप अपने भिगोए हुए बासमती चावल या सादे वाले चावल डालेंगे, एक बार उसको अच्छे से मिक्स करके लीजिए। जब अपने चावल में बबल बबल्स आना शुरू हो जाए तब हम अपनी गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और उसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे जो हमने नारियल का दूध निकाले थे सबसे पहले वो वाला, और उसको एक बार अच्छे से हिला कर लीजिए, ज़्यादा हिलाइए नहीं वरना अपने चावल टूट जाएंगे। जब पानी उसका कम होने आए तब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर, देसी घी या जो भी घी आपके पास है वो डालिए ऊपर से और स्लोली मिक्स कीजिए, एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है। अब 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। पानी पूरा सूख गया है, अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए दम पर रखेंगे कवर करके, ढककर। अपनी सैल्मन फिश करी इज़ रेडी नाउ, और साथ ही साथ अपनी खिचड़ी भी रेडी हो गई, उसे गर्मा गर्म परोसिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।